This is Dilshir Bir Singh, Assistant Professor and NSS Program Officer from Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Shri Sahib, Punjab. Today I'll discuss with you the topic, Personal and Social Management during time of pandemic. But before starting with my discussion, I'd like to extend my thanks to Faculty Development Centre, UGC, HRDC, Savitri Bhai Phule, Pune University, Pune, i am also grateful to principal and organizers k t h m college nashik maharashtra who have given me this opportunity to give my viewpoints in front of you so let us start with our topic as we all know that the world is in the grip of a dangerous disease which has become pandemic yes i'm talking about covid 19 so we need proper care and management to fight off this devil. So, how to start with it? Yes, we need management to fight this disease. So, what is management? Whenever we talk about management, the literal meaning that comes to our mind is about coordination and administration, which makes management no. Management is far more deeper than simply coordination and administration. So, what is management? Let us start with the story. जी हम सब ने कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की जिस कहानी में खरगोश कछुए को कहता है कि चलो एक दौड़ लगाते हैं और जो जीतेगा वो धुरंधर हम सब इस कहानी को जानते हैं कहानी में कछुआ और खरगोश जब दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं खरगोश लापरवाह होकर सो जाता है और कछुआ उस रेस को जीत जाता है और हमें मोरल दिया जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस धैर्य से काम किया काम पूरा होता है बट समाइम्स स्लो पेस कैन बी डेंजरस सो विल हैव टू ओवरकम दिस स्लो पेस बट ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती इसके दो कड़ियाँ और भी हैं खरगोश हारने के बाद बहुत मायूस होता है तो वो कछुओं को कहता है कि एक बार रेस दोबारा लगाएंगे दौड़ दोबारा लगाएंगे तो कछुआ भी मान जाता है भी अब एक बार जीता हूं तो ही इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि जीत तो मैं जाऊंगा रेस दोबारा शुरू होती है पर इस बार खरगोश सोता नहीं और वो ये दौड़ जीत जाता है अब कछुओं के मन में कहीं ना कहीं आता है कि ये सोया नहीं तो मेरी हार हुई तो कैसे मैं दोबारा खरगोश को घराऊ तो वो खरगोश के पास खरगोश के पास जाता है और उसे दोबारा चैलेंज करता है कि आओ तीसरी बार फिर रेस लगाते हैं अब खरगोश को भी कॉन्फिडेंस है कि पिछली बार भी मैं सोया नहीं मैं जीत गया था इस बार भी मैं जीत जाऊंगा तो कछुआ कहता है कि रेस तो लगाएंगे पर इस बार रेस का जो रूट होगा वो मैं डिसाइड करूंगा सो कछुआ रूट क्या डिसाइड करता है कि वो आधी रेस तो रास्ते की है पर आधी रेस नदी की है खरगोश बहुत तेज दौड़ता पर जब नदी आती है तो वो थम जाता वहीं पे वो आगे नहीं बढ़ पाता कछुआ अपनी धीरे धीरे धीमी धीमी चाल से वहाँ पहुँचता है खरगोश को देखता है फिर उन्हें लगता उसे लगता है कि ये इसकी कमी है और ये इस नहर को पार नहीं कर सकता इस नदी को पार नहीं कर सकता तो उसको अपने ऊपर बिठाता है कहता है मेरी पीठ पे चढ़ और मैं तुझे इस नदी से पार ले चलता हूँ सो so, खरगोश को कछुआ अपनी पीठ पे बिठाता है और नदी पार करवा देता है अब आगे फिर रास्ता है अब खरगोश को लगता है कि अगर मैं अकेला दौड़ा तो कहीं ना कहीं मेरी जो एथिकल हार हो जाएगी तो वो कछुआ का बोलता है कि अब तू मेरी पीठ पे चढ़ जो रास्ता है वो तो मेरी पीठ पे चढ़ के तय होगा तो इस हिसाब से दोनों ही रेस जीत जाते हैं सो व्हाट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज बेसिकली जहां हमें पता हो कि मेरी कमी क्या है दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है तो इस मैनेजमेंट के जरिए हमें अपनी कमी को और दूसरे की स्ट्रेंथ को साफ लेकर चलना है ताकि किसी भी कार्य को हम पूर्ण रूप में सफलता की ओर लेकर जा सके सो मैनेजमेंट इज बेसिकली यूज ऑफ रिसोर्सेज या कहें रिसोर्सेज का पर्पजफुल यूज करना पर्पज पॉजिटिव होना चाहिए सो पैंडेमिक जहाँ पैंडेमिक की वजह से कोविड नाइन्टीन की वजह से पूरी दुनिया में एक नाकामकता आई है तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम पॉजिटिव होकर इस चीज़ से फाइट करें सो मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ यूज ऑफ रिसोर्स इट इंक्लूड्स एफर्ट्स आपके अंदर कुछ करने की चाह भी बहुत जरूरी है पर चाह होना एक बात है पर वो कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए सो so मैनेजमेंट में जोश के साथ साथ होश बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस के साथ साथ जो तीसरी चीज बहुत आवश्यक है वो है डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज जो आती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सो so, आपने रिसोर्स यूज कर लिए आपने इंटेलिजेंस भी दिखाई आपने डिसीजन मेकिंग भी की और सब कुछ करने के बाद जो एंड रिजल्ट आए चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर डवेलविंग इन टू दिस पॉइंट्स आई एल टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशलिजम एग्जिस्टेंशलिज्म क्या कहता है कि इंसान के पास सिर्फ दो तरह की चॉइसेस होती हैं वो करे या वो ना करे, अच्छा या बुरा सो so, ये चॉइस आज के दौर में हमारे पास भी है हम इस बीमारी से लड़ें या ना लड़ें अल्बर्ट कामू का एक नोवेल है जिसका नाम है द प्लेग उसकी कहानी कुछ ना कुछ कोविड नाइन्टीन जैसी ही है ओमान शहर में प्लेग की बीमारी फैलती है लोगों में सहम डर अजीब तरह की अविश्वास किसी पर विश्वास नहीं ऐसी कुछ चीजें लोगों के अंदर पनपने शुरू हो चुकी हैं। तो जो नोवेल का मुख्य किरदार है डॉक्टर रू वो कहता है कि मैं इस बीमारी से लड़ूंगा सो बीमारी से लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो जाकर प्लेग का इलाज ढूंढेगा ऑल दो अ डॉक्टर ट्राई टू फाइंड द मेडिसन फॉर इट ऑल्सो बट बीमारी के इलाज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोशल स्ट्रक्चर में आ रही दरारों को भरने की बात सो डॉक्टर यू वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो उस चीज से फाइट करता है उसको सवाल किया जाता है कि तुम्हारे अकेले करने से क्या होगा तो उसका बड़ा सरल जवाब होता है कि जब ये जंग का फैसला होगा मैं चाहे हारूं मैं चाहे जीतूं मेरे मन में ये रंजिश नहीं रहेगी कि मैंने इस नाक्रमकता से जंग नहीं की सो सबसे जरूरी बात है कि आपने एक जंग तो करनी है पर उस जंग में रिसोर्सेज का ऑप्टिमम और पॉजिटिव यूज करना है उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जो भी रिजल्ट आए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेने में सक्षम हो सो so, रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करें जैसे कि यह प्रोग्राम एन प्रोग्राम ऑफिसर्स और स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए है सो so, उनके पास रिसोर्स क्या हैं सबसे बड़ा रिसोर्स है आपके पास आपका इंटेलेक्ट कोई भी विद्यार्थी अपने माँ बाप से भी उतना प्रभावित नहीं हो सकता जितना कि वो अपने अध्यापक से हो सकता है सो so, सबसे पहले जरूरत है आपको अपने उस इंटेलेक्ट को एक ऐसा रिसोर्स बनाने की कि जो एक चेन क्रिएट करे पॉजिटिविटी की सो so, यह है पहला रिसोर्स मैनेजमेंट का आपका इंटेलेक्ट। दूसरा रिसोर्स टेक्निकल रिसोर्स है फिजिकल रिसोर्स भी आप इसको कह सकते हैं वो है हमारी आज की टेक्नोलॉजी क्योंकि जब से 22 मार्च 2020 के बाद जब से ये आ, कर लॉकडाउन का समय शुरू हुआ है तो हम पढ़ाई भी ऑनलाइन करवा रहे हैं या मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो रही हैं ये लेक्चर भी ऑनलाइन हो रहा है तो अब हमारे पास एक चीज़ एक साधन तो बन चुका है कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं तो अपनी पॉजिटिविटी को हमें चैनलाइज करके उन बच्चों तक पहुंचाना है ताकि घर पे बैठे उन विद्यार्थियों को उन स्टूडेंट्स को जो डिप्रेसिव बाउट्स हैं उनसे लड़ने में मदद मिल सके सो ये तो हो गई हमारी के बाद। अब इसमें आता है डिसीजन मेकिंग अब डिसीजन मेकिंग कैसा है कि आपको पता है कि कई बार आपको समझो किसी विद्यार्थी ने कॉल किया कि सर मुझे तो इस चीज को लेकर ही कंफ्यूजन है कि मेरे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे तो अब ये स्ट्रेस इतना बुरा है कि विद्यार्थी के मन और तन दोनों को प्रभावित करेगा सो so, यहां डिसीजन मेकिंग आपकी एकदम एक पल में होनी चाहिए कि मुझे इस बच्चे को क्या समझाना है सो so, पहले तो एक चीज होती है कि हम उसको काम दे दें पर जो बच्चा ऑलरेडी बहुत टेंशन में है जो स्ट्रेस में है उसे काम से और स्ट्रेस आएगा सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट स्टूडेंट नीड्स इज अ पॉजिटिव टॉक फ्रॉम योर साइड यू हैव टू टॉक टू हिम इन अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे ताकि उस विद्यार्थी को आपकी बात सुनते ही लगे कि हाँ ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा ये तो है इंटेलैक्ट इस्तेमाल करके एक डिसीजन मेकिंग आना है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप इसका एंड रिजल्ट हो सकता है कि आपका स्टूडेंट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर एडवेंचरस भी हो जाए पर यही आपकी रिस्पांसिबिलिटी आती है कि उसका एंड रिजल्ट भी आपको चैनलाइज करना है उसका भी आपको संभालना है उस विद्यार्थी को समझाना है कि नहीं बेटा एडवेंचरस नहीं होना जिंदगी एडवेंचर के लिए है एडवेंचर से आपकी जिंदगी खत्म हो जाए ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी सो so, हमें वहां से ये चीज समझनी होगी अब एन का जो मोटो है वो है नोट मी बट यू अब यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट मैं मान सकता हूं नॉट मी बट यू मैं नहीं आप जब आप इस अप्रोच को लेकर चलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं समाज के लिए ही बना हूं तो सोशल मैनेजमेंट का सबसे पहला एस्पेक्ट यहीं पे आएगा अब अब आप इस स्टेटमेंट को जरा डीकंस्ट्रक्ट करके देखिए अब डीकंस्ट्रक्ट क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी चीज को तोड़ना डीकंस्ट्रक्ट नहीं होता ईंट दर ईंट ईंट दर ईंट हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर बनता है तो डिकंस्ट्रक्ट करना क्या होता है हमने एक ईंट दूसरी ईंट ऐसे बार बार करके वो ईंटें उतारी और उस चीज के तय तक पहुंचे कि ये चीज बनी कैसी थी तो अब आप नोट मी बट यू को जब डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पर्सनल से शुरू होकर सोशल तक जाना है नोट मी बट यू क्योंकि आदमी जब भी कोई कार्य करने लगता है तो उसके सबसे उसे सबसे पहले ख्याल अपना अपने परिवार का अपने सके संबंधियों का आता है फिर समाज का आता है पर जब हम एन की बात करते हैं तो नोट मी बट यू का मोटो ही ये है कि मैं नहीं आप अब मैं नहीं का मतलब कि बात मुझसे शुरू होगी जरूर पर बात मुझसे शुरू होकर खत्म समाज तक होगी तो मुझे समाज के लिए मुझे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है तो यहां मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है तो यहां जो मैनेजमेंट है वो वो किस तरीके से आप पूरी करेंगे वो करेंगे आप पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू हम नकारात्मक और सकारात्मक सोच के लिए एक बड़ी साधारण जो जनरल एग्जांपल है वो होती है आधे ग्लास पानी की किसी को आधा ग्लास पानी पानी का भरा दिखता है किसी को आधा गिलास पानी का खाली दिखता है तो हम कह देते हैं जिसको खाली दिखा वो नकारात्मक है वो नेगेटिव है जिसको पूरा दिखा वो ऑप्टिमिस्टिक है पॉजिटिव है सकारात्मक है सो so, ये पैसेमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट की हम एक डिफ्रेंसिएशन करते हैं कि आपने किस तरह किसी चीज को देखा समाज भी ऐसे ही है ये बीमारी भी ऐसे है कि आप इस बीमारी को कैसे देख रहे हैं अब डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां आती है आपको पता है कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है आपने पॉजिटिव अप्रोच रखी पर अगर आपको एक सिचुएशन यह दी जाए कि आपने चार दिन आपको चार दिन पानी नहीं मिलेगा आपके पास ये आधा गिलास पानी है तो क्या आप पॉजिटिव रह पाएंगे यहां से शुरू होती है मैनेजमेंट अब आप यहां से सोचना शुरू करेंगे कि बिल्कुल आधा गिलास पानी है यह अच्छी बात है कि मैं पॉजिटिव इस चीज को लेकर अब यहां पे नेगेटिव नहीं होना कि चार दिन में आधा ग्लास पानी से कैसे निकालूंगा तो आप सोचोगे कि मुझे चार दिन अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है उसको वेस्ट नहीं करना ताकि इस आधा गिलास पानी से मेरी जिंदगी मेरे चार दिन गुजर जाए अब पैंडेमिक इस दौर में कोविड नाइन्टीन के इस दौर में यही मुश्किल सबके सामने आ रही है हमारे रिसोर्सेज में कमी आई है हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसमें एक सडन चेंज है अब इस सडन चेंज को एक्सेप्टेंस हमें ही देनी है पर वो एक्सेप्टेंस पॉजिटिव हो बिना स्ट्रेस के हो इन चीजों को लेकर हमें सारी मैनेजमेंट करनी है अब मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज जो जब आप मैनेज करने लगते हो किसी चीज को तो सबसे पहली चीज आती है आपके सामने चैलेंज अब चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि कोविड नाइन्टीन से आए सडन चेंज को कुछ लोग एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते अब आप देखिए कि कोविड नाइन्टीन जिन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी भी कैटेगरीज हैं अब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं आप मान लीजिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे इसका असर ज़्यादा है प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन पे ज़्यादा असर है जिनको किसी ना किसी तरह की कि कोई बीमारी है किसी को डायबिटीज है कोई लिवर प्रॉब्लम है कोई किडनी प्रॉब्लम है या किसी हाइपर है जो कोई ऐसी बीमारी है उनको ये बीमारी जल्दी जकड़ती है और उनके लिए घातक भी साबित हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी यहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमें चैलेंजेस दिख रहे हैं कि हमें किस किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं अब चैलेंजेस सोशल भी हैं साइकोलॉजिकल भी हैं फिजिकल भी हैं फिजिकल भी हैं है और इकोनॉमिकल भी हैं अब इन चैलेंजेस को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे कि मुझे कैसे फिजिकल चैलेंज चैलेंजेस को ओवरकम करना है कैसे मुझे सोशल चैलेंजेस को ओवरकम करना है कैसे मुझे पोलिटिकल चैलेंजेस को ओवरकम करना है कैसे मुझे इकोनॉमिकल चैलेंजेस को ओवरकम करना है अब इनको ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज है आपका खुद का अवेयर होना बी अवेयर एंड देन मेक अदर्स अवेयर अब चैलेंजेस लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल आस्पेक्ट अब फिजिकल चैलेंज क्या है कि जो आदमी फिजिकली उसकी इम्यूनिटी वीक है उसको कोई बीमारी है उसको डायबिटीज है स्ट्रेस है हाइपर है किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको पहले तो उसमें एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है कि ठीक है आपको ये बीमारी है पर उसको इस बात के साथ साथ ये भी अवेयर करना है कि जैसे आपको पता है कि आपको ये बीमारी है तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस होकर ज़्यादा अवेयर होकर रहने की जरूरत है ताकि ये बीमारी आपको ना जकड़े क्योंकि इससे ही आपकी सेहत और आपकी जान बच सकती है अब दूसरा चैलेंज आता है साइकोलॉजिकल ये सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है आप किसी को शारीरिक रोग से तो मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हो पर किसी को साइकोलॉजिकली ठीक करना उसका मेंटल प्रेशर दूर करना उसका डिप्रेसिव स्टेट दूर करना दैट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क अब वो चैलेंज कहां से शुरू होता है जब आप किसी अब किसी कोई आदमी जहनीत से दिमाग से दिल से परेशान है वो उसे कई जगहों पर देख कर भी पता चल जाता है पर कई जगहों पर देख कर भी पता नहीं चलता सो so, अब कुछ चीज़ें बड़ी सडनली होती हैं अब रिसेंटली एक केस हुआ नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन कि डिप्रेशन डिप्रेशन की वजह से हैज़ टेकन एन एक्सट्रीम स्टेप तो उससे उससे एक नेगेटिविटी ट्रैवल कर गई सारी जगह तो हमें यह देखना है कि बींग एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर बींग स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर इट बिकम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू अवर वार्ड्स टू टॉक टू अर स्टूडेंट टू टॉक टू आर वॉल्टियर्स हमें उनके मन की बात जाननी है अब डिप्रेशन शुरू कहां से होता है किसी के मन में कोई परेशानी तो है पर उस परेशानी को कोई समझना नहीं चाहता बच्चा घर पे बात करता है तो पेरेंट्स बिजी हैं उनको लगता है कि बच्चा है वैसे ही अब घर पे बैठा है तो उसको तो वो परेशानी कहीं ना कहीं उसके अंदर घर करना शुरू कर देगी तो पहली चीज़ है कि हम ये समझें कि बात बच्चे की बच्चे की बात सुननी है जब वो बात आपसे शेयर कर लेगा तो उसे लगेगा कि एट लीस्ट मेरे सिवा कोई ना कोई ऐसा शख्स या कोई ना कोई ऐसा सोर्स उसके पास है जिसके थ्रू वो अपना डिप्रेसिव स्टेट है उसको उससे निजात पा सकता है जब आप आप अब यहां से पहला स्टेप शुरू हुआ जब आपने उसके साथ शेयर कर लिया तो उसके अंदर की जो वो पेंटअप हुआ इमोशंस है वो थोड़ा सा नीचे आएगा कि येस एटलीस्ट देयर इज समबडी विद हुम आई कैन शेयर अब जब उसको ये पता है कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूं तो उसके अंदर एक होप एक उम्मीद जागेगी और यही उम्मीद पहला स्टेप होगा उसे डिप्रेसिव या स्ट्रेस की स्टेज से बाहर निकालने का अब जब उसने शेयर की पर अगर आपने उसकी शेयरिंग का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया तो ये शेयरिंग भी नेगेटिव हो जाएगी सो so, यहाँ आपकी मैनेजमेंट आ गई यहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि मुझे उस बच्चे की शेयरिंग के बाद जो चीज अपने लेवल पे शेयर करनी है उसे मैं शेयर बिना देरी के करूँ यहां आएगी डिसीजन मेकिंग बच्चे ने आपको अपनी तकलीफ बताई अब आप यहां डिसीजन ले गए कि क्या मैं उस प्रॉब्लम को खुद ब खुद हल कर सकता हूं या मुझे यहां उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है या मुझे बाहर के किसी काउंसलर को इन्वॉल्व करना है तो यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी यहां से डिसीजन मेकिंग शुरू होगी पर इस डिसीजन मेकिंग से पहले आपको एक स्टेप लेना होगा कि जैसे ही उसने शेयर किया तो आपको कुछ ना कुछ एक भरोसा उसे देना होगा कि बेटा आपने जो बात मुझसे शेयर की वो बहुत अच्छा किया शेयर करके हम इसको इकट्ठे साथ में ओवरकम करेंगे जब आप बच्चे को इतनी सी इतना सा विश्वास इतनी सी उम्मीद देंगे तो वो अपने आप जो स्ट्रेस के पेंटअप हुए इमोशंस हैं उनमें से थोड़ा निकलना शुरू होगा अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने बात की कि आपको लगता है कि ये बात सिर्फ मेरे तक ना रहे बच्चे के पेरेंट्स को भी पता चले या उसको काउंसलिंग uh, की जरूरत है या उसको मेडिकल एड की जरूरत है तो वो नेक्स्ट स्टेप आएंगे पर यहां भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंस चलती रहेगी साथ साथ अब आपको कई बार क्या होता है कि आप जब किसी बच्चे की बात उनके पेरेंट्स के साथ करते हो तो वो एकदम रिएक्ट करते हैं कि नहीं 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 जी हमारे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता अब हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कि पागलों के डॉक्टर के पास जाना तो वो एक बड़ा नेगेटिव इमेज बना हुआ है साइकोलॉजिस्ट को लेकर हमारे खास करके हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर तो यहाँ आपका जो पहला पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चे के पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस मिलें उन्हें बताएं कि आपका बच्चा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे आपके सहारे की जरूरत है आप एक लेवल तक बच्चे की बात सुन सकते हैं उसे बता सकते हैं बट एक जो बच्चे के अंदर की जो उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं शायद उसके पेरेंट्स या उसके ब्रदर सिबलिंग्स के ज़्यादा ब्रदर सिस्टर्स के से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता तो आपको उसके उस बच्चे के पेरेंट्स को ये चीज समझानी होगी कि आपको अपनी रिजिडिटी छोड़कर बच्चे की उस इनर स्टेट को समझना चाहिए और यहां से उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया अब अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स अपने आप उस बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड बट कई बार आप कभी कभी आपको लग भी सकता है कि मैं सिर्फ ये बात पेरेंट्स तक नहीं छोड़ सकता क्योंकि मे बी दे आर नॉट दैट मच अवेयर कि मैं ये बात उन पर छोड़ के चला जाऊं तो अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे को काउंसलिंग करने की जरूरत है उसको किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास लेके जाने की जरूरत है तो उस चीज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आप उस विद्यार्थी को उस बच्चे को उस इंडिविजुअल को इस स्ट्रेस के जो स्ट्रेस का बोझ है उससे बाहर निकाल सके सो so, पर यह चीज होगी कैसे जब आप खुद पॉजिटिव होंगे अगर किसी की प्रॉब्लम सुनकर आप खुद ही टेंशन में आ गए खुद ही स्ट्रेस में चले गए तो फिर आपका स्ट्रेस कौन मैनेज करेगा सो शुरुआत यहीं से होगी बी अवेयर एंड मेक अदर्स अवेयर जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो शुरू हो और खत्म ना हो कोविड नाइनटीन भी कुछ ऐसा ही है अगर ये शुरू हुआ है तो ये खत्म भी होगा अब जैसे जैसे चीजें होती जा रही है अब इसके आगे एक पोलिटिकल आस्पेक्ट भी आता है स्ट्रेस का फिजिकल तो हो गया कि किसी को कोई बीमारी है तो उसको लगता है कि मैं बीमार हूं मुझे ना हो जाए तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस भी है वो फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस में चेंज होगा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकते हैं पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो सकती है घर में बंद रहने की वजह से बाहर ना घूम फिरने की वजह से किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है अब पोलिटिकल स्ट्रेस क्या होता है Political stress is not related with any political party. It is not a stress that is that is related with uh, with a political party. Rather, it is a stress that comes when we get in touch with the world of rumors. अब अचानक से all of a sudden एक चीज आई और उसने सबको grift में ले लिया। तो उसको manage करने में भी time लगना था और वो लगेगा भी, लग भी रहा है। कुछ चीजें मैनेज हो भी रही हैं कुछ अभी नहीं हुई कुछ हो जाएंगी तो ये चीज चलती रहेगी अब पोलिटिकल उसमें क्या होता है कि पोलिटिकल स्ट्रेस टेक्नोलॉजी के थ्रू सबसे ज्यादा आता है पोलिटिकल स्ट्रेस कैसे कि आपको एक मौका मिला कि कोविड नाइन्टीन की वजह से एक व्यक्ति परेशानी में गया उसकी सरकार ने सार नहीं ली आप भी, आपने यह खबर सुनी उस खबर का असर आप हो गया कि सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही फिर एक खबर आई कि हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं ऑल दो न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट अवेयर करने के लिए ज़रूरी है पर इन न्यूज़ के साथ एक र्यूमर मिल भी चलती है जैसे कि झूठी र्यूमर होगी कि फलानी जगह चार केस आ गए कोविड के जबकि वहां एक भी नहीं आया तो जब ऐसी र्यूमर मिल चलेगी तो आपके अंदर एक स्ट्रेस आना शुरू होगा ये पोलिटिकल स्ट्रेस है ये र्यूमर मिल बहुत खतरनाक तरीके से आपके अंदर ये स्ट्रेस पैदा करती है तो आपको मैनेज करना है इस स्ट्रेस को कि पहले तो आप खुद अवेयर हो आपके पास व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आ गया जी देखो ये हो गया यहां इतने लोगों की मौत हो गई उस नेगेटिविटी को वहीं पे खत्म कर दें अगर आप उस सोर्स का पता चला आ, लगा सकते हैं कि जिस सोर्स से ये चीज़ आई आप उस सोर्स को भी समझाएं कि इन चीज़ों से नेगेटिविटी स्ट्रेस डिप्रेशन ऐसी चीज़ों का जन्म होता है तो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें तो पिंद बर्ड यही यही एरिए में यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें अब इसके साथ साथ एक जो चीज़ आती है जो नेक्स्ट स्ट्रेस का लेवल है वो है इकोनॉमिकल स्ट्रेस इकोनॉमिकल स्ट्रेस क्या है कि जब आप लॉकडाउन में गए तो कई लोगों के कारोबार ठप हुए जो डेली वेजर्स हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म हुआ तो इनकम ना होने की वजह से आपकी कई रिक्वायरमेंट्स कई नीड्स आप पूरी नहीं कर पा रहे तो अब ये इकोनॉमिक अब इट्स इट इज नॉट नॉट अ कॉमर्स कॉमर्स सेंस बट इट इज देअर इन कोविड 19 अब इकोनॉमिकल स्ट्रेस से क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमिकल पोजिशन अगर पहले जैसी नहीं रही तो हमें यह चीज समझनी होगी अब मैं अपने जो पास जो मेरे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं मैं उनका इस्तेमाल करूं रादर देन आई आई गो फॉर होर्डिंग अब इकोनॉमिक स्ट्रेस कहां से आता है कि आपके समझो आपके पड़ोस में किसी ने किसी को पता चल गया कि अब लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला तो उसने दो महीने का राशन ही इकट्ठा कर लिया उसको देखकर आपको स्ट्रेस आ गया कि उसने तो दो महीने का राशन इकट्ठा कर लिया मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया तो वो वो स्ट्रेस आपके आपके माइंड को वो चीज डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी जब वो दो महीने का राशन इकट्ठा कर करेगा तो सिर्फ स्ट्रेस इस चीज का नहीं कि उसने दो महीने का इकट्ठा कर लिया मैंने नहीं इकट्ठा किया अब यहां पे प्रॉब्लम्स कई हो सकती हैं एक चीज ये भी हो सकती है कि मेरे पास अभी इकोनॉमिकली मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं दो महीने का कर राशन इकट्ठा कर सकूं अब इससे क्या होगा कि वो होर्डिंग हुई होर्डिंग के साथ ब्लैक मार्केटिंग आएगी क्योंकि डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो टूटेगी डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी क्योंकि जिन्होंने होर्डिंग कर ली उन्होंने मार्केट में उस चीज की जो चीज़ है उसका बैलेंस इम्बैलेंस कर दिया अब एक तो ये चीज आ गई आपके मन में दूसरी चीज जब आप किसी को दो महीने का राशन इकट्ठा करते देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे लगता है ये ठीक होने वाला नहीं क्योंकि दो महीने का राशन उसने इकट्ठा कर लिया अब पता नहीं क्या होगा तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपको अंदर से खत्म करती जाएगी सो हमें खास करके एन प्रोग्राम ऑफिसर्स और स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स क्योंकि वो बहुगिनती में विद्यार्थियों के साथ डील कर रहे हैं तो विद्यार्थी हमारा यूथ वो वो हमारे लिए शक्ति है जो हमारा मैसेज हर जगह कोने कोने में पहुंचा सकता है दे आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी दे आर द पिलर्स ऑफ नेशन सो हमें उस यूथ को अवेयर करना है कि हमें कोशिश करनी है कि ब्लैक मार्केटिंग ये होर्डिंग इन चीजों को रोकें और खुद भी पैनिक में ना जाएं। सो so, पैनिक पैनिक एक ऐसी चीज है कि जब आप पैनिक करते हो तो आपको कुछ भी नहीं सोचता सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे थे आपने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया आप पैनिक कर गए आप उस आदमी की मदद ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक ऐसी स्टेट ऑफ शॉक में होंगे कि आपको सूझेगा ही नहीं कि मैं उस आदमी को फर्स्ट एड भी दे सकता हूं पर अगर वहीं आप पैनिक में ना जाकर उस चीज को सोचें कि बाकी लोग पैनिक में चले गए हैं रादर मुझे ये कोशिश करनी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो पैनिक में ना जाए तो आप खुद सोचे कि आप समाज की कितनी बड़ी सेवा करेंगे दिस इज मैनेजमेंट यही मैनेजमेंट होती है मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें करें हम ये कहें कि जी ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा नो डाउट देर इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट क्राइटेरिया किसी चीज का कोई कॉज भी होगा उसका इफेक्ट भी होगा उसका फिर कॉज होगा चेन बनेगी पर हमें पॉजिटिव कॉजेज ही पैदा करने हैं ताकि जो कि पॉजिटिव इफेक्ट्स ही पैदा हो सके अब अब इस चीज इस चीज चीज के बाद जो एक चीज है कि अब हम इसे दो स्टेजेस में देखने की कोशिश करेंगे एक लॉकडाउन होने की स्टेज और एक लॉकडाउन खुलने की स्टेज अब जब लॉकडाउन हुआ जैसे मैंने बात की कि पैनिक हुआ लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी पैनिक शॉपिंग करनी शुरू कर दी स्ट्रेस में आना शुरू हो गया विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपने आप को जोड़ना थोड़ा मुश्किल भी लगा फिर उनको एग्जाम्स की टेंशन हो गई ये अलग 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 अलग, अलग, अलग चीजें उनके अंदर घर करनी शुरू कर गई तो वो एक डिप्रेसिव स्टेट शुरू हो गई अब डिप्रेसिव स्टेट में क्या हुआ आप घर में बंद गए आपको लगा कि मेरे पास तो कुछ भी रहा नहीं पॉजिटिव करने को हालांकि आपके पास बहुत कुछ था पॉजिटिव करने को घर पे बैठे एक अच्छी किताब आपका सारा दिन अच्छा निकाल सकती थी पहले पहले जब लॉकडाउन लगा तो बहुत लोगों ने खुशी भी जाहिर की कि एटलीस्ट हमें अपने परिवारों के साथ बैठने का समय मिला तो अब हम सोचें कि क्या वाकई हमें लॉकडाउन की जरूरत थी अपने परिवार के साथ समय बिताने की बच्चे स्कूल से आते हैं कॉलेज से आते हैं माँ बाप काम से आते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइम आकर भी स्पेंड नहीं करते तो हम पॉजिटिव की तरफ देखें दिस इज मैनेजमेंट अब अब लॉकडाउन हो गया तो मैनेजमेंट यही है कि मैं अपने घर के अंदर का कार विहार कैसे उस उस काम को कैसे मैनेज करूं आदमियों को औरतों की मदद करनी चाहिए औरतों को भी थोड़ा आराम मिला हम फिर एक चीज है कि नेचर में बड़ा बदलाव आ रहा है जी देखिए ओजोन लेयर हील हो रही है आ, पक्षी वापिस आ रहे हैं जो जानवर कभी लुप्त लगते थे वो दोबारा दिखाई देने शुरू हो गए ये सारी चीजें वापस आई तो देखिए ये ये लॉकडाउन का पॉजिटिव भी था अब हमें यहां से चीज समझनी होगी कि लॉकडाउन का ये पॉजिटिव था तो इट मीन्स कि हमारी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी थी लॉकडाउन से पहले जिससे कि हमारा सा, सारा कुछ इम्बेलेंस हो रहा था तो यहां से हमें पॉजिटिव होकर चलना है और उन चीजों को दोबारा पॉजिटिव और के लेके है ताकि अब हमें अब हमें यहाँ से हमारी ड्यूटी शुरू होती है यहाँ से हमारी मैनेजमेंट शुरू होगी जहाँ से हमारी ड्यूटी शुरू होती है कि हम इस दुनिया को इस सोसाइटी को इस प्लेनेट अर्थ को दोबारा वैसा ही बनाए जैसा ये होना चाहिए जहाँ पे सभी का बराबर कंप्लीट बायोडावर्सिटी का बराबर हक हो क्योंकि बायोडावर्सिटी में इम्बेलेंस क्रिएट करना आपके लिए घातक से सिद्ध होगा तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो ये कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट्स एकदम से दिखने शुरू हुए कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया हमने नेचर को देखना शुरू कर दिया हमने ये भी देखा कि हम घर वालों से बात करें तो बहुत सी चीजें हल होती हैं बट जब लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ एक्सटेंड हुआ एक्सटेंड हुआ तो हमें खाने पीने की चीजों की फिक्र होने लगी फिर फिर वो नेगेटिविटी दोबारा चैनलाइज होने लगी फिर वो र्यूमर मिल चली टेक्निकल दुनिया से ये सारा कुछ होता गया होता गया होता गया फिर आज एक स्टेज आई जब अनलॉक वन हुआ अब अनलॉक वन के अपने डेंजर हैं इट इट हैज इट्स ओन डेंजर्स अब वो डेंजर्स क्या है कि अनलॉक हुआ तो जो लोग घर में बंधा हुआ महसूस कर रहे थे तो वो एकदम से बाहर निकले अब जब एकदम से बाहर निकले तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो प्रिकॉशंस लेने थे वो प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे इसीलिए जो कर्व की फ्लैटनिंग है वो बड़ी इम्बैलेंसड वे में है कि रेगुलर नहीं है वो वो बात क्या है कि कहीं ना कहीं हमने ये मैनेजमेंट नहीं सीखी कि ठीक है हमने लॉकडाउन के दौर में जीना सीखा अब हम अनलॉक के दौर में भी जीना सीखना शुरू करें अब अब कोविड को भी नॉर्मल होने में समय लगेगा पर जब तक कोविड है तो हम कैसे नॉर्मल रहें अब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे रूल बताए कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें पीपी पी किट्स का इस्तेमाल करें बेमतलब घर से बाहर ना निकलें अगर ज़रूरत है तो ही बाहर जाएं बाहर जाएं आप आ, मास्क पहनें किसी बीमार व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने की कोशिश ना करें अगर आपको लगता है कि कोई बीमार है तो उसकी सूचना मेडिकल ऑफिसर्स तक पहुंचाएं अब गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें अलग अलग प्रिकॉशन लोगों को बताए पर वो वो मैनेजमेंट गवर्नमेंट के लेवल से हो गई पर अब यहां हमारी पर्सनल मैनेजमेंट शुरू होती है क्या जो प्रिकॉशंस हमने बताई वो मैंने खुद फॉलो की अगर वो मैंने खुद फॉलो नहीं की तो मैं अपने परिवार वालों को भी वो फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि पहला सवाल होता है कि तुम खुद तो करते नहीं मुझे क्या कह रहे हो तो वहां से ये चीज शुरू होगी अब अब पर्सनल से सोशल तक कैसे पहुंचेंगे पहले वो चीज़ आपने अपने पे इम्प्लीमेंट की उसके बाद अपने परिवार पे उसके बाद अपने कॉन्टेक्ट्स में फिर जिन पे आपका इम्प्रेशन है जो आपसे इंस्पायर्ड है या जिन पे किसी ना किसी तरह का आपका इन्फ्लुएंस है उन किन चीजों को ले अवेयर कीजिए जब ये चीजें आप अवेयर करेंगे तो आपकी जो आपकी जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी होगी अब मैनेजमेंट की बात तो हुई एक कि हमें मास्क पहनना चाहिए हमें बेमतलब बाहर नहीं जाना चाहिए सैनिटाइज करते रहना चाहिए घर को डिसइंफेक्टेंट के साथ, साथ साफ करते रहना चाहिए पर जो एक और चीज इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्वेलेंस सर्वेलेंस हमारा किसी चीज को लेकर चिकन्ना रहना हम कभी कभी सोचते हैं कि हल्का सा बुखार है कोई बात नहीं पर आज के दौर में हल्का सा बुखार भी सोचने वाली चीज़ है पर अब हल्के से बुखार को ये सोच लेना भी अब भाई मुझे तो करोना हो गया ये बहुत खतरनाक है अब ये सर्विलेंस आपकी जो है जो ये सर्विलेंस भी पॉजिटिव होनी चाहिए अब पॉजिटिव सर्विलेंस कैसी होगी कि आपने बुखार चेक किया आपको और कोई सिम्टम दिखता है तो आपने बिना शोर किए अपना टेस्ट करवाना है क्योंकि जब आप चार लोगों को बताकर जाए कि मुझे बुखार है मैं तो टेस्ट करवा के आऊं तो वो चार लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे पैनिक क्रिएट होगा इससे अब सेकेंड चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि कभी भी किसी बीमारी में गूगल सर्च ना करें अब गूगल सर्च की प्रॉब्लम क्या है कि आप उसमें अगर 10 बीमारियां ढूंढेंगे तो 10 बीमारियों के कुछ ना कुछ सिम्टम जनरल हो गए जैसे हेड एक बिजीनेस नोजिया वॉमिटिंग बहुत से सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि किसी ना किसी बीमारी में कहीं ना कहीं स्किन एलर्जीज में कहीं ना कहीं वो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं अब अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको एक आधा सिम्टम वैसा मिल जाएगा तो वो क्या है वो आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा करेगा कि यार मुझे ये तो नहीं हो गया आप किसी और बीमारी को देखो मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी तो उससे क्या है वहां आपके अंदर एक स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा अब यहां सर्विलेंस की जरूरत है यहां चुकन्ने रहने की जरूरत है पर्सनल सफेयर की बात कर रहा हूं मैं आपको यहां आप खुद के लिए चुकन्ने हो गए कि मुझे गूगल के सर्च नहीं करनी मुझे अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ये नॉर्मल फ्लू है आपको खुद पता चल जाएगा मुझे नॉर्मल फ्लू है तो मुझे क्या एहतियात बरतनी है अगर आपको नॉर्मल फ्लू है तो भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लें घर वालों से दूर कर लें ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये चीज नॉर्मल नहीं तो एटलीस्ट बाकियों को बचाया जा सके अब ये सर्वेलेंस आपसे शुरू हुई पर अभी सर्वेलेंस को आपको दूसरों तक लेकर जाना है बीइंग एन एसएस प्रोग्राम ऑफिसर स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर आपको ये चीज अपने वॉलंटियर्स में अपने विद्यार्थियों में अपने स्टूडेंट्स में भी पैदा करनी है अब उनको आप अवेयर करोगे कि बेटा अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं तो उनसे कैसे फाइट करना है अब आपने चुकाना तो कर दिया अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आएगी कि कैपेसिटी बिल्डिंग अब उसको बिल्ड कैसे करें उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कैसे करें बच्चों को छोटे छोटे टास्क दें छोटे छोटे टास्क कैसे आप उनको बोलें कि आप आप उनको एक चैलेंज दें कि बेटा ये चैलेंज है कि आपने दस दिन घर से बाहर नहीं जाना अगर बच्चा आपका ये चैलेंज पूरा करता है तो आपको समझ आ जाएगी कि उस बच्चे में वो विल पावर है उसमें वो इंटेलिजेंस और उसमें वो क्षमता है कि आप उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें अब उस उसने एक चैलेंज पूरा किया पर ये चैलेंजेस बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए पॉजिटिव इन द सेंस कि चैलेंज स्ट्रेस नहीं देना स्ट्रेस देने वाला नहीं होना चाहिए जैसे आपने दे दिया कि दस दिन घर से बाहर नहीं जाओगे तो उसको साथ में कैसी बुक सजेस्ट कर दें कि दस दिन के भीतर भीतर ये बुक भी आप मुझे पढ़ के बताओगे कि आपने इस किताब से क्या सीखा और कोशिश करनी है कि जो लिटरेचर या कोई भी बुक आप उस बच्चे को अगर सजेस्ट कर रहे हो एडवाइस दे रहे हो तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि वो दस दिन में कुछ पॉजिटिव सीख सके उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो अब आपने एक टास्क ये दे दी अब उसको आप दूसरी टास्क ये दें कि बेटा यूट्यूब से देखकर कोशिश करो घर पर सैनिटाइजर बनाने की ये भी एक टास्क हो गई अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग है अब आपको लग रहा आपको लगेगा ये कि ये चीज सिर्फ एक विद्यार्थी के साथ आप कर रहे हो पर नहीं जब आप उसको सैनिटाइजर बनाने के लिए बोलोगे तो आपने एक रिसोर्स पैदा कर लिया जिसकी मदद से आप कई लोगों की मदद कर पाओगे अब आप इस विद्यार्थी को कुछ इस स्टूडेंट को कुछ ऐसा काम दें वॉलंटियर को ऐसा काम दें कि मास्क बनाओ घर पे मास्क बनाने के तरीके ढूंढो जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे अब इससे क्या है कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास दस विद्यार्थी हैं आपने दस विद्यार्थियों को यह काम दिया तो आपने दस रिसोर्सेस पैदा कर लिए दस जगहों को टैकल करने के लिए अब ये तो आपने रिसोर्स बिल्डिंग कर ली उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली अब ये चेन कैसे बनेगी क्योंकि जब आप किसी की कोशिश को अप्रिशिएट करते हो तो उसको इंकरेजमेंट मिलती है वो उस कोशिश को और आगे की और लेके जाने की कोशिश करता है तो जब आप बच्चे को इनक्रेज करेंगे तो हो सकता है वो अपने साथ दो और लोगों को भी जोड़े अपने घर वालों को भी जोड़े शायद उनको उस चीज में इतना तो मजा आने लगे कि उनको लगे कि ये तो मेरा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए तो ऐसे आप कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ एक रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे और यही रिसोर्सेज अल्टीमेटली समाज को सही सेध दे सकेंगे अब इसके साथ क्या है कि अब पॉजिटिविटी हो गई अब आपको विद्यार्थियों के कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी हो सकता है कि आपका पहला चैलेंज वो पूरा ना कर सके तो आपको आपको भी नेगेटिव नहीं होना और उस बच्चे को डांटना भी नहीं कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते उससे क्या है कि उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी क्या मैं कर ही नहीं सकता उसके कॉन्फिडेंस को चोट लगेगी वो वो उसके अंदर की जो एक मेंटल जो इक्विलिब्रियम है वो भी इम्बेलेंस होगा तो आपको उसको लर्निंग अपर्चुनिटीज देनी है उसको कहना है कि अगर इस तरीके से नहीं हो तो इस तरीके से करके देखो जब आप उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दोगे और वो अगर मान लीजिए आपने उसको दस अपॉर्चुनिटीज दी दस में से वो नौ में फेल हुआ एक में पास हो गया तो आपको शाबाशी देने की बेटे देखो अब तो तुम्हें दस तारीखे दस तरीके पता है कि ये नौ तरीके से ये काम नहीं होता पर इस तरीके से होता है तो ये पॉजिटिव रेन्फोर्समेंट होगी कि अब आपको ये भी पता है कि ये नौ तरीके मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं ये काम इस तरीके से होता है तो आपने उसके अंदर उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देकर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर दी अब सेकंड चीज है कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दे दी अब हर एक चीज का एक मैग्नीट्यूड होगा आपको उस मैग्नीट्यूड को भी समझने की कोशिश करनी है ऐसा नहीं कि आपने रिसोर्सिस तो क्रिएट कर लिए पर आपको ये पता भी यह भी पता होना चाहिए कि मुझे इस रिसोर्स को कौन सी जगह पे इस्तेमाल करना है यहां आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बच्चे से दस मास्क बनाए और उसे कहीं ऐसी जगह बेच दिया जहां पचास मास्क की जरूरत थी और मतलब कि आपको ग्रेविटी ऑफ मैग्नीट्यूड समझनी पड़ेगी आपको मैग्नीट्यूड रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे इन रिसोर्सेज को कितने मैग्नीट्यूड में इस्तेमाल करना है अगर आपने दस रिसोर्स क्रिएट किए हैं तो आपको कोशिश करनी है कि उन दस रिसोर्सेज को सिर्फ दस उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके जहां जहां के लिए वो रिसोर्सेज कैपेबल हैं अगर आप उसको उससे ज्यादा करेंगे तो वो नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि उसमें फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी आपको कोशिश करनी है कि जो आपने रिसोर्सेज अपने स्टूडेंट के थ्रू बिल्ड किए हैं उसको प्रॉपर बैलेंस्ड वे में ही इस्तेमाल करें अब बच्चों को एक चीज ये भी सिखानी है कि हमें फाइट के लिए तैयार रहना वो फाइट लंबी भी हो सकती है हमें यह नहीं सोचना कि आज किया कल इसका नतीजा आ जाएगा नहीं बच्चों के अंदर इतना आत्मविश्वास इतनी एनर्जी इतनी एनकरेजमेंट क्रिएट करनी है कि वो लॉन्ग बैटल लड़ने के लिए तैयार हो और उन्हें यह भी समझाना है कि इस लॉन्ग बैटल में उनके सर्कमस्टांसेस रेगुलरली चेंज होते रहेंगे उनके जो सिचुएशंस हैं वो रेगुलरली चेंज होती रहेंगी और उन्हें इन्हें एम्ब्रेस करना होगा इन्हें न्यू नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट करना होगा जब आप उनके अंदर यह चीज क्रिएट कर देंगे तो उनके लिए जो न्यू नॉर्मल है वो अल्टीमेटली नॉर्मल हो जाएगा और वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो आस पास के सारे सोशल सनेरियो को सोशल स्ट्रक्चर को संभाल सके अब पर्सनल और सोशल पर्सनल हो गया कि आपने खुद को प्रिपेयर किया सोशल हो गया आपने दूसरों को प्रिपेयर किया अब ये तो आस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के पर कोविड नाइनटीन के साथ कुछ चीज़, जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं बड़ी आम सी चीज़ें हैं जिसे हम रोजाना सुनते भी हैं वो है कि आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करनी है अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अब देखिए हर चीज़ के ना पिटफॉल्स होते हैं जब आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बात करते हैं तो लोग अपना खाना पी, खाने पीने की आदतें चेंज करने की कोशिश करेंगे अब पर वो जब जब वो चेंज भी सडन होगा तो वो भी खतरनाक है तो आपको यहां यहाँ यहां पर्सनल मैनेजमेंट समझानी है दूसरों को कि चेंज सडन नहीं धीरे 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 चेंज करना है कि आपकी जो आपकी इम्यूनिटी है वो उसके साथ कंडीशन हो सके अदरवाइज आपकी इम्यूनिटी पे बुरा असर होगा अब इसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो एक्सरसाइज भी जरूरी है अब एक्सरसाइज करने के लिए कोई कहे जी हाँ हाँ एक्सरसाइज जरूरी है मैं तो अब घर से बाहर निकल कर सैर करूंगा मैं ग्राउंड जाकर वहां दौड़ूंगा तो ये चीजें अगेन खतरनाक है क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनके टूटने का रिस्क मास्क ना पहनने का रिस्क ये सारे रिस्क आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी है कि जो प्रिकॉशंस कोविड नाइन्टीन को लेकर दिए जा रहे हैं उनको जब आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो उनकी मैनेजमेंट के बारे में भी लोगों को अवेयर करें पहले खुद प्रिपेयर हो फिर दूसरों को प्रिपेयर करें अब सारी सोशल अब देखिए सिंपल बात जो है वो ये है कि पर्सनल और सोशल बहुत आर इंटरलिंक्ड। पर्सनल एंड सोशल बहुत आर इंटरलिंक्ड। अगर आप पर्सनल पर्सनली अवेयर नहीं तो आप सोशली अवेयर नहीं कर सकते और अगर आप सोश सोसाइटी के स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे तो आप पर्सनल स्ट्रक्चर को भी नहीं समझ पाएंगे बोथ थिंगस गो हैंड इन हैंड दोनों साथ, साथ ही चलेंगी सो पॉजिटिव एटीट्यूड नोट मी बट यू का मोटो बट नोट मी बट यू के साथ साथ प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं क्योंकि आपको अगर आ, आज सोशल सर्विस करनी है तो सोशल सर्विस में भी प्रॉपर केयर हेल्थ केयर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है चीजों को समझना है समझने के बाद जब आपको लगे कि देखिए आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं होता कि मैंने सोचा और मैं चला गया और मैंने कर लिया नहीं कोविड नाइनटीन आपको ये मौका नहीं देगा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं वी ऑल नो अबाउट नोवैक जोकोविच अब उन्होंने एक आरडिया टूर फुट टेनिस का शुरू किया अब आरडिया टूर में क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई टेनिस प्लेयर्स साथ में आए उन्होंने फोटोग्राफ्स भी करवाई पार्टी कल्चर भी वहाँ पे चला उससे क्या हुआ कि आज वर्ल्ड नंबर वन नोवैक जोकोविच को भी कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव आया उनकी वाइफ को भी वहाँ पे खेलने वाले कुछ प्लेयर्स दमित्री रोव को भी आया तो अब अब क्या है कि अब एक गलत डिसीजन से एक सिर्फ प्लान किया और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया विदाउट मैनेजमेंट उससे क्या हुआ कि कोविड 19 में स्पाइक आ गई उसके केसेस में स्पाइक आ गई और एक टूर्नामेंट बदनाम हो गया ना सिर्फ टूर्नामेंट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों पर भी एक नेगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा तो हमें इन चीजों को समझना है कि जब भी हम प्लानिंग करें प्लानिंग आपकी फूल प्रूफ हो प्लानिंग सिर्फ दिमाग में नहीं उसकी आप पेपर वर्क भी करें कुछ प्लानिंग हो सकता है कि पेपर वर्क की जरूरत ना हो पर कुछ प्लानिंग आप देखिए अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है प्लानिंग बेसिकली ये होती है कि मुझे कहाँ कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे रखनी है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखनी है अब प्लानिंग में आपने एक चीज सोची उसका चलो आप मान लिया कि आपने पेपर वर्क नहीं करना आपने उस चीज का एक प्लान तो आप आउट करोगे ना कि मैंने यह काम करना है आप आप समझिए कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सामान पहुंचाना है अब आपको पहले आप क्या सोचेंगे कि कौन सा वो रिसोर्स है जिसके थ्रू मैं ये सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाऊंगा अब आप उस सोर्स को टैप करेंगे आप उस सोर्स को टैप कर भी लेते हैं अब यहां आपकी मैनेजमेंट का टेस्ट होगा और यहां आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा आपने एक रिसोर्स टैप कर लिया अब आप अपनी इंटेलिजेंस से यह पता लगाएंगे कि क्या जिस सोर्स को मैंने जिस सोर्स को मैंने सेलेक्ट किया है क्या वो सोर्स काबिल है कैपेबल है मेरे इस कंसाइनमेंट को वहां तक लेके जाने के लिए अब आप क्या देखेंगे कि क्या जिस सोर्स को मैं टैप कर रहा हूं वो सोर्स पूरी प्रिकॉशंस ले रहा है कि मेरे इस सामान से कोविड नाइन्टीन में या किसी और तरह के डिसीज फैलने की कोई मुश्किल तो नहीं आएगी तो आप उस सोर्स को टैप करेंगे उस सोर्स की पूरी हिस्ट्री जानेंगे हिस्ट्री के साथ उसका प्रेजेंट भी करेंगे और प्रेजेंट को चेक करने के बाद उसको अपनी तरफ से एक डिटेल्ड प्रिकॉशंस लिस्ट देंगे कि आपने ये ये चीजें फॉलो करनी है उसके बाद ही ये सामान यहां से वहां तक शिफ्ट करना है अब शिफ्टिंग के बाद आपको एक कोऑर्डिनेशन रखनी होगी बार बार उसके ऊपर चेक रखना होगा कि क्या आप ठीक तरीके से जो मैंने प्रिकॉशंस बताई थी उसके साथ साथ चल रहे हैं अब यहां अगर आपको लगता है कि नहीं यहां फिर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी कि आपको कहा उस सोच को रोककर उस चीज को वहीं पर रोक कैसे दोबारा मैनेज करना है यहां आपके एडमिनिस्ट्रेशन कोर्डिनेशन इंटेलिजेंस सभी चीजें साथ साथ चलेंगी अब हम अब कोविड नाइन्टीन को लेकर अब आपने मैनेज तो कर लिया पर कोविड नाइन्टीन को लेकर डर बहुत ज्यादा होने की वजह से मैनेजमेंट मुश्किल भी हो रही है तो आपको पॉजिटिविटी कहाँ से लानी है पॉजिटिविटी आती है हमें जब हम अपना भूतकाल अपना पास्ट देखते हैं उसको छानने की कोशिश करते हैं अब यह पहली दफा नहीं कि कोई एक बीमारी ऐसी आई है जिसने लोगों को अपनी चपेट में लिया हो इससे पहले सास भी आई है प्लेग भी आई है ब्लैक डेथ जो थर्टीन सेंचुरी में आई जिसने आधी आधा यूरोप ख़त्म कर दिया अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों से सीखना है कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई थी आज क्या गलतियाँ हो रही हैं हमें कौन सी गलतियाँ दोहरानी नहीं ताकि हम इस चीज़ से लड़ सकें और इस चीज़ को ख़त्म कर सके सो so, सब कुछ अल्टीमेटली आपके यहां से शुरू होगा यहां से आपकी मैनेजमेंट शुरू होगी जिसे आप पर्सनल मैनेजमेंट कहेंगे जिसमें आपका पर्सनल हाइजीन भी आएगा आपका फैमिली स्ट्रक्चर भी आएगा आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आएगी आपकी फिजिकल हेल्थ भी आएगी आपकी पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी सो पर्सनल मैनेजमेंट में आपसे ही सब कुछ शुरू होगा पर आपकी जब ये पर्सनल मैनेजमेंट आपकी पर्सनल अवेयरनेस बनेगी तो आप पर्सनल लेवल से शुरू कर कर सोशल लेवल तक जाएंगे फिर वहां पे आप चीजों को मैनेज करेंगे वहां भी आपने सोशल स्ट्रक्चर का जो साइकोलॉजिकल सेटअप है उसको पॉजिटिव करना है उनके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन द लाइन ऑफ फायर हैं उनको समझाना है उन, उनको भी अवेयर करना है उनको बेमतलब के रिस्क लेने से डिस्करेज करना है उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए इनक्रेज करना है उन उनके अंदर भी एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस टेक्निकल अवेयरनेस जो उनकी सोशल मीडिया के थ्रू जो र्यूमर्स आ रही है उसके प्रति उनकी जो अवेयरनेस है उनको भी जगाना है और उनके साथ साथ उनको इकोनॉमिक अवेयरनेस भी देनी है जैसे कि हम बात ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग की या पैनिक शॉपिंग की कर चुके हैं ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है बीइंग अ एन एस एस प्रोग्राम ऑफिसर बीइंग अ स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर आपको आपके ऊपर ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं आपके ऊपर एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जिस चीज को जब आप समझेंगे जब आप उसको पर्सनल लेवल पे मैनेज करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि सोशल लेवल पे भी उसको आप मैनेज कर सकते हैं सो जंग खुद के साथ शुरू होगी खुद को जीतना होगा खुद को जीतेंगे फिर समाज को भी जीत सकेंगे समाज के अंदर जो फैल रही ये बीमारी है इससे लड़ने की क्षमता भी पैदा कर सकेंगे लोगों को अवेयर कर सकेंगे एक मैनेजमेंट का वो स्ट्रक्चर पैदा कर सकेंगे जिससे कि जो सारा माहौल है वो फिर से नॉर्मल हो पाए मिल्टन एक बात कहता है कि माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल तो बस ये सारी जंग दिमाग की जंग है हमें सोचना है कि हम इस दिमाग से स्वर्ग को नर्क बनाएँ या नर्क को स्वर्ग बनाने की कोशिश करें हम कोशिश करें अपनी जिम्मेवार समझने की हम कोशिश करें खुद की मैनेजमेंट को इतना सक्षम बनाने की कि जब हम सोशल स्ट्राटा में सोसाइटी में जब आए तो आपकी मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट देखकर ही आपके आपके कॉन्टेक्ट में आने वाला आदमी उससे इन्फ्लुएंस हो और वो मैनेजमेंट स्किल्स सिर्फ आप तक ना सीमित रहें उसके अंदर भी जाए ताकि एक मैनेजमेंट की वो चेन हम बना सकें जिसमें सभी लोग सोशली फिजिकली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली साइकोलॉजिकली अवेयर हों और इस डिसीज़ से फाइट कर सकें इसी के साथ मैं अपने बात को विश्राम दूंगा एक बार फिर से मैं फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर यूसी, यूजीसी, एचआरडीसी सवित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगा उनके साथ ही प्रिंसिपल के टी एच एम कॉलेज नासिक महाराष्ट्र और उनकी सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कोविड नाइन्टीन के इस समय में जब सारी दुनिया डर कर या कहिए नकारात्मक होकर घर में बैठी है या कुछ ना करने की अप्रोच के साथ बैठी है वहाँ इन्होंने एक ऐसी कोशिश की है जिससे कि एन एस एस प्रोग्राम ऑफिसर्स स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इनक्रेज किया जा सके कि हमारे विद्यार्थियों को हमारे आस पास को हमारे सोशल सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रेस फ्री बनाया जा सके डिप्रेशन फ्री बनाया जा सके उन सब के लिए सबको मुबारकबाद और कोविड नाइन्टीन की इस जंग के लिए इस जंग में लड़ने वाले उन सभी हीरोज़ को सलाम जो लगातार चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो हमारे हेल्थ केयर के लोग हो चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सैनिटेशन uh, के लोग हो कोई भी हो जो जो लोग इवन टीचर्स जो घर बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स जो कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने की हर वो इंसान जो अपने सीधे अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से इस से लड़ने की इस समाज को और खूबसूरत समाज बनाने की कोशिश करें उन सभी को सलाम और एक बार फिर से मुबारकबाद पूरी के टी एच एम की कॉलेज नासिक महाराष्ट्र की टीम को जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत कोशिश की है लोगों को अवेयर करने की समाज को अवेयर करने की समाज को स्ट्रेस फ्री बनाने की धन्यवाद